Hello guys, welcome to all of you to your YouTube channel Christian Knowledge. Myself Praveen. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टी लेवल लाइन कोडिंग के जो थ्री पार्ट्स होते हैं, टू बी आई क्यू, टू बाइनरी, वन क्वार्टनरी, सिक्स पी सिक्सटी एंड फोर डी पैम फाइव. ओके, जैसा कि हम लोग लाइन कोडिंग के की पूरी सीरीज मैंने बना के रखी है, तो उसकी जो मेरी लास्ट वीडियो थी ए एम आई और सीरो टर्सेंडी है ना, उसके बाद हमारा ये मल्टी लेवल एनकोडिंग का है ना. तो आज के इस वीडियो में हम लोग टू वी आई आई वी टू वी आई क्यू के बारे में देखते हैं, कैसे इसका लाइन कोडिंग बनता है, इसकी क्या डेफिनेशन है. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ, है ना. अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा. जितने भी इंजीनियरिंग टॉपिक्स हैं वो मैं ज़रूर लाता रहूँगा. और मेरे जो दोस्त अभी कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, उनके लिए जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे वो मैं ज़रूर दूँगा. कमेंट कर दें, मेरे पास टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन हैं, मैं उन्हें मेल कर दूँगा. और आई होप कि समझ में आए. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारा टू बाइनरी वन क्वार्टनरी, सबसे पहला नाम क्लियर है टू बी आई क्यू के लिए. जो नाम होता है टू बी आई क्यू का, जो फुल इसका स्टैंड होता है टू बाइनरी वन क्वार्टनरी. ओके, ये होता क्या है, मतलब कहाँ यूज़ होता है. इट इज़ अ लाइन कोड यूज्ड इन द यू इंटरफेस ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN में इसकी यूज़ होती है. ठीक है, 2BIQ is a 4-level pulse amplitude modulation PAM4 scheme without redundancy. ठीक है, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज इरर प्रोपागेशन. ठीक है, इरर प्रोपागेशन के लिए हम लोग 2BIQ का यूज़ करते हैं. ठीक है दोस्तों, इस पूरे पेज का अगर आप चाहो तो PDF मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा. सो फॉर दैट यू हैव टू कमेंट योर मेल. हाँ मेल, ओके, कमेंट योर मेल, देन आई विल सेंड. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस. जैसे कि यहाँ मैंने दो तरह के एग्जांपल्स शो किए हैं, आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. इसमें कि पहला है आपका, देख सकते हो बाइनरी इनपुट क्या क्या आपके पास, 00 01 10 11, है ना. क्योंकि 2BIQ जो होता है वो पेयर के फॉर्म में रहेगा हमेशा, 00 01 10 और 11. और यहाँ 2BIQ का जो आउटपुट है 00 पर -3 है, 01 पर -1 वोल्ट है, 10 पर +3 वोल्ट है, और इस पर +1 वोल्ट है ना. तो आपका जो इसका सॉल्यूशन करना होगा है ना, कुछ इस तरह से करना होगा. ये मैंने पहले से बना के रखा है. अगर आप इसको, ये जो ऑर्डर है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर देना है ना. और ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, किस आपको ये दिया रहेगा ना, किस तरह से आपको बनाना है. तो देखिए इसको बनाना कैसे है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले ध्यान दो कि आपका यहाँ 00 है, ठीक है, और 00 पर जो वैल्यू असाइन की हुई है वो -3 वोल्ट. ठीक है, तो 00 पर -3 वोल्ट असाइन किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर -3 पर इस तरह से कर दोगे. ठीक है, अगेन आपका जो 01 है, 01 पे देखिए क्या असाइन किया हुआ है, -1 वोल्ट, तो आप क्या करोगे, -1 वोल्ट के आगे ऐसे कर दोगे. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना. तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सब पे असाइन करना है. जैसे 10 पे आपका +3 वोल्ट है ना, तो 10 पे +3 वोल्ट पे जाकर इसको असाइन कर दो. ठीक है, उसके बाद देखो 11 पे कौन सा भैया है, 11 पे +1 वोल्ट है, तो 11 पे आपका +1 वोल्ट पर असाइन कर दो. ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, सब पर असाइन करना है. फिर 01 पर असाइन -1 करना है, 01 पे -1 कर दो, फिर 10 पे +3 वोल्ट, 00 पे -3 वोल्ट, 01 पे -1 है ना, 01 पे -1, दिस इज -1. ठीक है, और बस इसके बाद क्या करना आप जानते हो, सबको मिला दो. शानदार लग रहा है ना. सो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 2BIQ का, तो आप इस तरह से बना लेना.
दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका हो सकता है वो कुछ इस तरह है कि आपको जो है ना ये दे दिया जाएगा, है ना, आपके पास बीट्स दे दिए जाएंगे, अब इसका लाइन कोडिंग करना होगा, ठीक है। जस्ट इसी तरह से आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इस तरह से आप प्लॉट कर लोगे, बीट्स यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। दोस्तों क्या करना कि इस एक्सिस को आप इस तरह से पॉजिटिव माइंड में सेट करके चलना, एक्चुअली तो ये है ही, लेकिन इसको सेट करके चलना, ऊपर वाले को रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव सेट करके चलना, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा अभी, जैसा कि आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, 0 0 0 0 के लिए आपका क्या है, +1 भी और -1 भी। अब लोगे क्या, तो आपको क्या होता है, फर्स्ट डिसीजन जो डिसीजन लेना होता है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो 0 0 की जगह +1 के लिए असाइन कर सकते हो, चाहो तो फिर -1 के लिए असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले -1 असाइन करके चलते हैं, ठीक है। मैंने +1 लेकर चला, अब आगे बढ़ा है। अब देखो 1 1 के लिए है ना, अभी देखो जो प्लस आपने असाइन किया था ना, इसका आपको फ़ायदा होने वाला है, 1 1 है, प्लस की तरफ जाओ, ठीक है। फिर बॉक्स देखो, 1 1 है, प्लस की तरफ जाओ, तो क्या मिल रहा है आपको नीचे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, -3। सो आपको क्या करना है, +1 का जो है ना +3 पे ना जा करके आपको -3 पे इस तरह से ड्रॉ करना, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 1 है, तो आपको -3 भी करना है +3 भी करना है, तो आप तो दिक्कत में होगा कि यहाँ पे आप +3 में करना है या फिर -3 में करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बनवाया था कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 1 का प्लस की तरफ से देखते हैं, तो -3 में जाना, -3 साइन कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको 0 0 1 देखना है, तो 0 0 1 में आप अभी यहाँ पे थे ना, तो 0 0 1 कहाँ पे, माइनस में हो, 0 0 सॉरी 0 1 का -1 में, माइनस में देखो, तो 0 1 का माइनस में देखते हैं, तो -3 आता है, तो आपका करना यही बढ़ जाना है, ठीक है। फिर देखो 1 0, तो 1 0 का अभी यहाँ पे थे, 1 0 देखने, लेकिन अभी तो माइनस में, तो 1 0 का माइनस चेक करो, 1 0 का अगर हम लोग माइनस चेक करते हैं तो आता है +1, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना है ना, +1 पर डाल दिया। फिर 0 1 देखोगे, फिर 0 1 का किस में हो भैया, आप प्लस में हो, तो 0 1 का प्लस देखो, 0 1 का प्लस देखते हैं, तो +3 आता है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे +3 पर साइन कर, कंप्लीट हो गया। अब बस एट द लास्ट यू नो सबको मिला दो, ये देखो आपका वेव सेफ लाइन कोडिंग हो गया, है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, सो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और इसी तरह के इंजीनियरिंग टॉपिक जो भी होगा इसी और CS से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहूँगा फॉर योर एग्ज़ाम पर्पज़। कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैंने बता ही दिए, जितनी भी कंपनीज आएंगी उसके जो भी क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, और जो भी उसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको ज़रूर सेंड करूंगा। टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।